नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेश। स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज वो फाइनली वो खुशी का दिन आ गया, या यूं कहूं कि तकरीबन मेरी 12 साल की वो तपस्या जो कि एक रिटन वे में फॉर्म हो चुकी है, वो है ये बुक, टॉपर बनने का आसान तरीका। यस, इस बुक के कंटेंट ने अब तक कईयों की लाइफ बदली है। अब तकरीबन मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। आप सब में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको बता दूं कि 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए 11, 12th और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए। इस दौरान कई स्टूडेंट्स को मैंने 99 फ्रेज में देखा, कईयों को मैंने 60 वाला देखा, एक बच्चा मेरा कंपार्टमेंट आया था उसको भी देखा। हर एक की मेंटालिटी को मैंने जज किया कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, स्टूडेंट का मेंटालिटी क्या है, क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं। कौन किस तरीके से अपनी एक्टिविटी करता है, अपने माइंड को कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है, किस तरीके से टाइम टेबल बनाता है, कैसे पढ़ता है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते करते मैं लिखता रहा। और फिर मैंने 10 साल बाद YouTube चैनल बनाया तो आप सबने भरपूर प्यार दिया, और 4.5 मिलियन से भी ज़्यादा हम यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा Facebook, Instagram, मेरे पर्सनल अकाउंट, हर जगह हम लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब बताइए ये बुक्स की, इस बुक्स में वो जो एक्सपीरियंस है मेरे 12 साल का, किस तरीके से मैंने स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया, वो सारी बातें मैंने इस बुक में लिखी हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस बुक के बारे में बताऊं कि किस तरीके से इसने टॉपर्स की लाइफ बदली। और जब मुझे मैसेजेस मिलते हैं पर्सनल, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि सर आपकी वजह से, आपकी इन्फॉर्मेशन से, आपके वो टिप्स एंड ट्रिक्स से कि किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, उन सबसे मुझे मैसेज मिलते हैं कि लोग पैसा कमा रहे हैं। लोग 89% बच्चे के मैसेज आए, कभी किसी का 95% आया, कोई बच्चा 90, सब में 90 क्रॉस कर गया। और जब वो मुझे क्रेडिट देता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि थैंक्स, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इससे बहुत हेल्प मिली। वो सारी चीज़ें मैंने इस बुक में लिखी हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बुक जो बहुत मेहनत से, सबसे पहले मैं बहुत एक्साइटेड जब मैंने इस बुक को टच किया तो वो आते ही वो फील आया कि वाओ यार, ये चीज़ मैंने बड़ा एक अजीब सा फील आया कि यस, जो चीज़ लिख रहे थे हम लोग वो फाइनली अब आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इनविंसिबल पब्लिकेशंस का, जिन्होंने मेरी लिखी हुई बातों पे भरोसा किया। और पहले तो मैं डर रहा था जब मैंने उनको रिटर्न दिया कि पता नहीं कैसा होगा कि फर्स्ट टाइम मैं बुक लिख रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने वहाँ से रिएक्शन दिया कि सर वाओ, सर इतने वाओ फैक्टर हैं, मतलब इसे ना जिंदाबाज कहते हैं, जिंदाबाज इन द सेंस कि वो भाषा जो मैं और आप हमेशा बोलते हैं, मैंने उस भाषा में इस किताब को लिखा है हिंदी में। जैसे परिपक्वता, ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे जो आप समझ पाते हैं, वो वर्ड लिखे हैं। मैं रैंडम अगर किसी पेज को खोलूं तो यहाँ पे जैसे मैं रैंडम पढ़ता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं कि किसी भी तरीके से सक्सेस, अब सक्सेस लिखा है मैंने, पाने के लिए आपके अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। मैंने टाइम मैनेज लिखा है, समय प्रबंधन नहीं लिखा। सो दैट्स वाई जो आपकी भाषा है वो समझ पाएं। थोड़ा इस बुक के बारे में मैं आपको डिटेल कर दूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में पिन कर रहा हूं, क्लिक करिए, जाइए और वहां से ऑर्डर करिए। और ऑर्डर करने के बाद जब आपके पास वो बुक रिसीव हो जाए, मुझे मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे टैग करिए, मैं उसे अपनी स्टोरीज में शेयर करूंगा। आप सेल्फी ले सकते हैं बुक के साथ, ऐसे जैसे मैं अभी एक सेल्फी ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस पिक्चर्स, मुझे मेरे इंस्टाग्राम या कहीं भी मुझे टैग कर सकते हैं जहां से मैं देख पाऊं। कुछ इसके इंडेक्स पे मैं आपको डिटेल करता हूं कि किस तरीके से स्टूडेंट हेल्पफुल है। पहली, ये जो बुक है, चाहे आप 7th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, खासकर कॉलेज स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कंटेंट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने टेबल ऑफ द कंटेंट, मैंने सबसे पहले जो हेडिंग लिखी है वो बोर्ड्स के टाइम पे आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एग्जाम डेट्स आ जाने के बाद कैसे टाइम टेबल मैनेज करना चाहिए, उसके बाद मैंने कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर काफ़ी डीप स्टडी करके इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद टॉपर माइंडसेट लिखा हुआ है, उसके बाद टॉपर्स की जो डे बिहेवियर होता है उसके बारे में मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद एक हमारी लव लाइफ होती है, हर एक स्टूडेंट नेगलेक्ट नहीं कर सकता है, उसकी लाइफ में ये फ्रेज आता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। और लव लाइफ से याद आया कि मैंने इसमें 3 स्टोरी डाली है जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है, सारी हिट्स हैं यूट्यूब पे, वो रिटन वर्क में आपको मिलेगा और थोड़ा सा और क्रिएटिव वर्क में मिलेगा तो बहुत मजा आएगा। तो 78 पेज पे मैं जाके थोड़ा पढ़ना भी चाहता हूं उसको। तो ये जो पहली लव स्टोरी है वो किसी एक लड़के की है जो 11th क्लास में, अब आप मुझे रिलेट कर सकते हैं, अपने आप को रिलेट कर सकते हैं अगर आप उस फ्रेज में हो, कि ये बात उन दिनों की है जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। नया स्कूल, रोज़ स्कूल आता जाता तो था, लेकिन स्कूल के दोस्तों से ज़्यादा घुला मिला नहीं था।
मेरी ही स्कूल में एक लड़की 9वीं क्लास में पढ़ती थी। रोज किसी न किसी बहाने से मेरे क्लास में आ जाया करती थी, कभी अपनी कॉपी चेक करवाने तो कभी बुक हाथ में लिए टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछने के रिगार्डिंग। तो ये कुछ स्टोरीज मैंने लिखी हुई हैं। उसके बाद मैं आपको और कंटेंट के बारे में बता दूं कि उसके बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जब स्टूडेंट्स लाइफ में हम पैसे कमाने की सोचते हैं, सक्सेस होने की सोचते हैं, तो मैंने वो भी लिखा है कि वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सक्सेसफुल मैन कभी नहीं करते, वो मिस्टेक्स जो सक्सेसफुल मैन लोग कभी नहीं करते, जो हम एवरी डे करते रहते हैं, वो सारी बातें मैंने इसमें जिक्र करी हैं। उसके बाद मैंने दोस्तों के साथ जो बुरी संगतें होती है हमारी, उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। उसके बाद मोटिवेशनल कोट्स, वन ऑफ द बेस्ट कोट्स इसमें सारे वो डाले हुए मैंने, तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ 147 पे। काफ़ी तो मुझे याद ही है लेकिन आपके सामने आया हूँ तो मैं पढ़ के बताता हूँ उसको। वो लाइन है, मेरे दोस्त की चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, किंतु आकृति कभी टूटती नहीं। इसीलिए अगर आईना टूट सकता है लेकिन जो आपकी छवि है वो कभी टूट नहीं सकती। उसके बाद वो अपनी वो लाइन कि जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। ये सब लाइंस यहाँ पे हैं, मैं मेंशंस, और ये बुक वाकई मुझे लगता है कि इस बुक का जो रिएक्शंस आएगा आप सबके तरफ से वो अनबिलीवेबल होगा, क्योंकि मुझे वाकई इस पे बहुत भरोसा है, क्योंकि इस बुक में बहुत मेहनत लगी है लिखने में और बहुत एक एक वर्ड को सही तरीके से मैंने सांचा है इस किताब के रूप में। और जब आप तक आएगी और आप इसे मन से पढ़ेंगे तो आप मुझे बताना कि कैसे रिएक्शंस है। आप वीडियो बना के मुझे शेयर कर सकते हैं, सेल्फी शेयर कर सकते हैं, कोट शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन कर रहा हूँ, और आप वहाँ जाके इस बुक को ले सकते हैं और फिर उसको बुक को पढ़िए। कैसा लगा मुझे बताइए, और मैं तो बहुत खुश हूँ इस बुक के रिगार्डिंग। तो दोस्तों वीडियो के एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वाकई इस बुक ने बहुत से टॉपर स्टूडेंट्स की लाइफ बदली है, और अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िए। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस बुक को एप्लीकेबल किया अपनी लाइफ के ऊपर तो आप वैसा नहीं रहेंगे जैसा आप हैं, बिल्कुल आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे, ये मेरी गारंटी है आप सबसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।